हम लोगों के पांच शरीर होते हैं। ये स्थूल शरीर है जिसका सभी को ज्ञान है, और जो पशु भाव में व्यवस्थित होते हैं वो इस स्थूल शरीर को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये स्थूल शरीर ही सारी झगड़े की जड़ होता है। हर कोई इस स्थूल शरीर के लिए सब कुछ बटोरता है, और वो बटोरना है पृथ्वी तत्व। कोई बहुत ज़्यादा अपने लिए साम्राज्य बटोर लेता है, कोई अपने लिए बहुत ज़्यादा धन बटोर लेता है, कोई अपने लिए बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा बटोर लेता है, कोई अपने लिए इस शरीर के लिए बहुत सारे लोगों को बटोर लेता है। ये सब तुच्छ है। सिकंदर ने भी कहा कि जब मैं जाऊं तो हाथ बाहर निकाल देना, जो भी मैंने बटोरा वो सब यहीं रह गया। लेकिन साथ भी कुछ जाता है, ऐसा नहीं कि साथ नहीं जाता, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है हम लोगों को। हम लोगों को इस ज्ञान को जागृत करना है, शिव योग को अपने भीतर, कि जो हमारे साथ अनादिकाल से चला आ रहा है उसको मुझे जागृत करना है, उसको जानना है, और वो अनंत तक जो मेरे साथ रहना है मुझे उसकी अभिलाषा करनी चाहिए। जो तुच्छ है, जो मैं है, उस मैं को समाप्त करके उस अनंत को अपने भीतर जागृत करना चाहिए। जो चौथा शरीर, ये पहला शरीर अन्नमय कोश है, जो अन्न खाते हैं और उससे बनता है, और दूसरा शरीर है प्राण शक्ति का, जो तुम्हारे भीतर प्राणों का संचार हो रहा है उससे प्राणमय कोश बना है। तीसरा शरीर है मनोमय कोश, जो मन में स्पंदन पैदा होती, जो विचार पैदा होते, जो भाव पैदा होता है, जो इमोशंस पैदा होती है, उससे आप लोगों का तीसरा शरीर बनता है। चौथा शरीर है ज्ञानमय कोश, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान। जब अहम ब्रह्मास्मि मैं कहता हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ, तो इस पूरे ब्रह्मांड के जितने भी रहस्य हैं वो मेरे भीतर छुपे हुए हैं। सभी वेदों का ज्ञान मेरे भीतर छुपा हुआ है, सारे उपनिषदों का ज्ञान मेरे भीतर है, सारे तंत्र शास्त्र का ज्ञान मेरे भीतर है, सभी इष्ट की सिद्धि साधना उसका सबका ज्ञान मेरे भीतर छुपा हुआ है। और जो भी साइंस ले लो, चाहे द साइंस ऑफ एरोनॉटिक्स, एविएशन, चाहे धनुर्विद्या या युद्ध विद्या या जो कुछ भी है, वो सारा ज्ञान मेरे भीतर छुपा हुआ है, वो है ज्ञानमय कोश। लेकिन उसी के साथ साथ जब मैं माया में फंसता हूँ तो अज्ञानता का ज्ञान जो है वो भी मेरे भीतर छुपा हुआ है। मैं बहुत रोगी हूँ, ये ज्ञान भी मेरे ज्ञानमय कोश में छुपा हुआ है। मैं बड़ा दुखी हूँ, ये ज्ञान भी मेरे ज्ञानमय कोश में छुपा हुआ है। मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ये ज्ञान भी मेरे ज्ञानमय कोश में मैंने डाल दिया है। सारी दुनिया बहुत खराब है, ये ज्ञान भी मेरे ज्ञानमय कोश में छुपा हुआ है। मेरे घर के वो सदस्य बहुत ही खराब है, वो ज्ञान भी मेरे ज्ञानमय कोश में छुपा है। इस ज्ञानमय कोश को हम कहते हैं कारण शरीर। कारण शरीर का जो है मायना हुआ, जो कारण बनता है मेरे जीवन की प्रत्येक घटना को घटित करने में। वो कारण बनता है कि लोग मेरे को बहुत प्यार करें, वो कारण शरीर कारण बनता है कि लोग मेरे से बहुत नफरत करें, वो कारण शरीर कारण बनता है कि सभी मेरे मित्र हो जाएं, वो कारण शरीर कारण बनता है कि लोग मेरे शत्रु हो जाए, वो कारण शरीर कारण बनता है कि मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए, वो कारण शरीर कारण बनता है कि ये देह बिल्कुल अस्वस्थ हो जाए, रोगी हो जाए,